विनाश काले विपरीत बुद्धि वही देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने बना लिया है हाइब्रिड कोरोना, जहां एक तरफ 100 में से 80 लोग मारे जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चीन ने 10 लाख लोगों को कर दिया है कैद। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने आज तक जानने नहीं दिया कि ये महामारी कैसे फैली और क्या उसके ही देश से पूरी दुनिया में फैली। चीन गई भी टीम तो उस तरीके से जांच नहीं कर पाई, पता नहीं कर पाई कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे दुनिया पूरी तबाही के ओर जाने को पूरी तरीके से तैयार है। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया इससे ठान रही है बुरी तरीके से। 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। ऊपर से लॉकडाउन, आइसोलेशन, इन सभी चीजों ने इंसानों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। चीन में अभी भी सख्त लॉकडाउन है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये डब्बे में बंद हैं ये लोग। इनको इसी डब्बे में खाना दिया जाता है, इसी डब्बे में पानी दिया जाता है, तब तक इन्हें रखा जाता है जब तक कि आइसोलेशन का पूरा पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। ये चीन की स्थिति है कि कितना सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया और अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में गुजर रहे हैं। चीन तो एक एग्जांपल है ही। पर इन सब के बीच में अमेरिका के बोस्टन शहर में वैज्ञानिकों ने लैब में एक हाइब्रिड कोरोना को तैयार कर लिया है। और ये हाइब्रिड कोरोना कितना महाविनाशक है उसको आप ऐसे देखिए कि जैसे ही दुनिया के वैज्ञानिकों को पता चला, उन वैज्ञानिकों ने बोस्टन के वैज्ञानिकों पर आक्रोश जताना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि देखो तुम लोग कैसे दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हो। दरअसल ये वेरिएंट इतने विनाशकारी हैं कि अगर इसकी चपेट में 100 लोग आ जाते हैं तो 80 लोग तो मारे ही जाएंगे। इनका प्रयोग बोस्टन की जिस प्रयोगशाला में किया गया है उनके वैज्ञानिकों का कहना है कि हम तो ये देख रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन किस तरीके से काम कर सकता है, कितना हानिकारक ये हो सकता है। लेकिन इन सब के चक्कर में इन्होंने एक ऐसी तबाही मचा दी है, एक ऐसी तबाही बना दी है जो अगर लैब से निकल गई तो आप समझ लीजिए कि ये क्या हाल करेगी। आपको बता दें जो सबसे पहले कोविड कोरोना वायरस आया था उसे और ओमिक्रॉन वेरिएंट को मिलाकर इसे बनाया गया है। चूहों पर इसका रिसर्च किया गया तो पता चला 80 चूहे 100 में से मारे जा रहे हैं। ये काफी सनसनीखेज है। जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने मात्र 3 हफ्ता लगाया पूरी दुनिया में फैलने में, ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये वायरस वेरिएंट लैब से बाहर आया तो दुनिया में किस स्थिति का निर्माण कर देगा। आपको बता दें दुनिया भर में इस प्रयोग के खिलाफ विरोध भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक समय देखना ऐसा आएगा जब इंसानों ने जो ये वायरस बनाना शुरू कर दिया है इसकी वजह से ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वैसे आपको बता दें अमेरिका पर, रूस पर, चीन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये तीनों देश अपनी अपनी प्रयोगशाला में कुछ न कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं और ये खिचड़ी ऐसी है जो दुनिया को विनाशकारी रास्ते पर ले जाती है। वैसे आपको बता दें कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगा था कि चाइना ने यहाँ एक बायो लैब बनाया है और इस बायो लैब में कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। जाहिर तौर पर ये जैविक हथियारों का निर्माण करते हैं। जैविक हथियारों का इस्तेमाल किस तरीके से युद्ध में किया जा सकता है ये उसके ऊपर प्रयोग करते हैं। जब महामारी फैली थी तब भी यही बात कहा गया था कि युद्ध शुरू हो चुका है, ये एक जैविक हथियार है जिसका इस्तेमाल चीन ने कर लिया है। इस तरह की बातें उस समय हो रही थी और यही वजह है कि चीन से दुनिया के ज्यादातर देश खफा भी हुए और अब ये प्रयोग। खैर जहाँ एक तरफ ये हो रहा है ना तो वहीं दूसरी तरफ चीन में समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं और चीन में लगातार लॉकडाउन तो लग ही रहे हैं, भले अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगा रही है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीनी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा रह सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है चीन में, ये चीजें साफ साफ दिख रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के तीसरे तिमाही में चीन का आर्थिक विकास दर मात्र रहेगा 3.3%। दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच चीन का विकास दर था मात्र 0.4%। इस दौरान चीन कोरोना के बड़े संकट से जूझ रहा था और अभी भी ये चीजें चालू है
है, कई उद्योग बंद है। हाल के दिनों में जितने भी आर्थिक डेटा जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है और IMF के अनुसार तो 2022 में चीन का आर्थिक विकास दर 3.2 रहने का अनुमान है तो 2023 में मात्र 4.4 हो सकता है, जबकि चीन की तुलना में भारत का 6.8 से 6.1 तक रह सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, अब चीन भी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि चीन के नए नवेले जो तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनपिंग, उनका कहना है कि चीन ऐसे किसी भी चीज में नहीं जा रहा है, न चीन के अंदर कोई आर्थिक मंदी आ रही है, न ही और कुछ आ रहा है। लेकिन चीन ने ये कह दिया है कि वो GDP के आंकड़े जारी नहीं करेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहा ड्रैगन कुछ छिपाना चाह रहा है। चीन ने घोषणा की है कि थर्ड क्वार्टर के लिए देश के GDP के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। चीन का आंकड़ा 10 बजे जारी होना था, लेकिन इससे पहले ही बीजिंग की एक संस्था ने घोषणा कर दी कि आंकड़े नहीं दिखाए जाएंगे। अब इसमें देर किया गया क्यों, इसके बारे में चीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर दिखा कि जो डेटा जैसे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, उद्योगों से कितना पैसा आया, एनर्जी से कितना पैसा आया, FDI में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और सेल्स कितना हुआ, रिटेल सेल्स एंड होम प्राइसेज कितना हुआ, ये सारा डेटा जारी करना था, लेकिन चीन ने कह दिया कि हम अभी आपको कोई भी डेटा जारी नहीं करेंगे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल अभी जो नए नवेले राष्ट्रपति बने हुए हैं वो GDP के आंकड़े जारी करके अपनी जनता को किसी तरह का दुख नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि चीन एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। और आपको बता दें, आईफोन के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। जो आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है जुआंगजू, यहाँ पर करीब 10 लाख लोगों को अब चीन ने एक बार फिर बंद कर दिया है। इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सारे लोगों को सोमवार से ही कहा गया है कि आप बिना परीक्षण के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और कारण क्या है, कारण वही है, जीरो कोविड पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत जिस इलाके को टारगेट बना लिया गया है, यहाँ आईफोन के निर्माण में और बड़ा झटका लग गया है। आईफोन फैक्ट्री के आसपास ही ये लॉकडाउन लगाया गया है, जो आने वाले समय में अमेरिका को और एप्पल कंपनी को प्रभावित जरूर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये परिस्थितियाँ भारत के लिए बहुत सही हो रही है ताकि ऐसी कंपनियां अब निकल कर भारत आए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।